चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी जिले के मकडाना गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर बीती रात एक 11,000 वोल्ट की जो लाइन है उसका तार टूट गया, जिसके बाद कहना है कि कुछ ग्रामीणों ने पावर हाउस में इसकी सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद भी समय पर कार्रवाई न होने के चलते गाँव मकडाना में लगभग 16-17 साल के अंशु की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। इसके अलावा उसके जो पिता उसके साथ थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसको रोहतक भेजा गया है उपचार के लिए। यहाँ पर ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि अभी तक बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती और जिन विभाग के जिन लोगों की लापरवाही से बताई जा रही है उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक यहाँ से अंशु का शव है वो नहीं उठाया जाएगा। 3 घंटा हो गया इधर बोर्डिंग में, रस्ते से ज्यादा हो गया। रामगिर 4 माइल हेवी खोरडा पे है, तो हमने गुमराह कर लाया, लापरवाही धोली गुमराह में कर जा नहीं होता है। रुपया कौन सी है जी, एक बजे बता दे, गलती इंसान ना तो है जी। हाँ गलती है तो गलती दिखा है, इंसान से होती है सर, गलती दिखा है गुमराह क्यों किया तुमने, तो बाम बावड़ो ये गलती को लियो, जो मटर ये चाय रखे है ये मटर है और नहीं पता इसकी योग्य नहीं है, पता और इस पद के योग्य नहीं है जी। मैं मैनेजर हूँ, मेरे को पता होता है कि मेरे बंदे कहाँ पे 8 बजे जी बिजली नहीं बता दी, मैं लाइट इसको नहीं पता क्या, सुन ले आप मुझे उसके हो, आपको नहीं पता आपके मैं के बंदे, बाहर जाओ बात करो, बाहर जाओ आप तो नहीं पिया है वो कुछ रुपये 50 ने छोड़ा और मैं बढ़िया मजदूरी कर लूँ जी और करना जी, रुपये खतर कौन सा दिल छोड़ो छोड़ दो, 3 घंटे से बंदा गुमराह करा रहा हूँ, कौन रूट लो कोई चिंटू बताओ कोई मिंटू बताओ, मैं नहीं गाड़ी घोड़ा बैठे सब के मोटर भी कुछ भी हो जाए जी, कर भी दी जा जी मटर का मुकदमा छोड़ दे जी, किसने ट्राई किसने और उसमें तो हम इंटू पिछले की थोड़ी पिछले का टुटू तो मारो अरे रजी जी मंगवा ले अरे वैसे ना पता चल जाए सो के भी भाग लेंगे ऑनलाइन पर फोन था बता दे सर 5 उसमें तो मिंटू ऐसे हां और फील्ड में सोमेश और सोनू और विजय क्या नाम है सर जंपर के साथ जोड़े सर जंपर जोड़े उसमें सोमेश ने सोमेश ने जोड़े सोमेश रामला रामला सोमेश ने जंपर जोड़े, रात को लीलाराम ने जंपर काट दिए थे भाई, लाइन ब्रेकडाउन थी आंधी चली, फोन भी करया है जी जब से एसडीओ साहब शाम में फोन करया है ना, प्रशासन यहां खड़ा है सारा, हम जो भी दोषी है ना चाहे उसमें मैं भी हूँ, जो भी दोषी है चाहे मैं हूँ चाहे जेई है चाहे फोरमैन है चाहे एलम है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। बस साहब यहाँ समाजी ये ना हो आग भाई जो सुबह टाइम पर था वो है तो सी है तो सी वो भी है जिसके पास चलने के लिए उसकी इंक्वायरी नहीं वो किसका फोन करे आपके पास रिकॉर्डिंग है ना। हाँ जी बस मेरे मेरे अधिकारियों से बाबा भी कंडे मुझे थोड़ा मेरे 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 अधिकारियों से बात होगी, इस एपिसोड में इस बात में कोई भी आदमी दोषी है उसमें इवन एसडीओ जेई फोरमैन लाइनमैन एएलएम जो भी है जो जो भी जिसने भी लापरवाही करी है ना इस काम में सर उसका लापरवाही हो चुकी है उसके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं भाई वो भी अपना बालक पाल तो हो जी ठीक है, मैं वहां भी को कोनी यो गुमराह करवा काम में इसके बदली करते हैं यार, बदली बदली आजा
आप कितना बड़ा पद बताया वो अभी एक मिनट मतलब नहीं तो तू ते अपने बस सब दिन रहनो तो किसकी बदली करते मार छोरो आ जाओ पे मन से ला तेरा छोरो वाले करंट रिपोर्ट ये आप मेरे गांव के कुत्तो आपके चाहते हुआ कार्रवाई मैं इस पर कार्रवाई करूंगा कोई शक नहीं इसका परिवार में रह के गया कुछ ना रहे हो एक मतलब मार बाप बाप और लड़का दोनों इसने दो लड़का बड़ा है उसने सरकारी नौकरी का समाधान करो अल्लाह खत्म है आपका ये है हमारी मांग था कि वो परिवार चल पड़े इनका तो रहे को नहीं कुछ आज वो भी सीरियस है उसका भरोसा इस बारे में मेरे अधिकारियों से बात कर लो हाँ करो बता दो ना खत्म हो भाई मंजूर है इतना हमें थोड़ा का हाथ नहीं लाऊं दें बिल्कुल आपकी बात जायज है आपकी बात जो भी है ना जो दोषी है उसको कार्रवाई बढ़ेगी उसके खिलाफ बढ़ेगी ई फिलहाल जो दोषी है गांव में उठ बैठ भी है रिश्तेदारी पाओगी बिल्कुल पाओगी कोई राजीनामा नहीं करवाओगे भाई बिल्कुल ठीक है मैं पहले बताऊं काम मात उसकी मत कोई आदमी नहीं आओ मारो रुक जाओ भाई पहले ये होया से टोपी का उठ गए हो और वो समझा कि अब पुलिस महकमा क्या हो धरती में टेक रहा है सुनो सरपंच बोल रहे जो दोषी देखो उन पर तो FIR तो महकमा ये करेगा उन्हें तो करो अरेस्ट सरकार की तरफ से जो आपके मैक्सिमम आर्थिक जो मदद है उस चीज का हमने पूरा आश्वासन परिवार में ये बोलो ना बात कर लो ऊपर तक कर लो ना तो सरकार भी उड़ाई आ जाएगी राम राम का के सब कुछ आ जाएगा इसके परिवार में कोई नहीं क्योंकि फादर है ये मानो कि 20% का बच्चा नहीं तो औरत तक रेफर कर दिया वो रे जड़ रहा जी वो एक ऐसा जड़ गया उसका एक लड़का बच रहा है ये मान उसने नौकरी का उसका सरकार की उम्र उसकी 20 लगभग 18 करोड़ हो गया आप बात करके बताओ समाधान खत्म है अधिकारियों से उच्च योग्यता क्या है प्लस टू योग्यता के हिसाब से जो भी सर्विस बनती होगी ना और मतलब जो भी बनती है योग्यता से बनती सर्विस तो एच का एच के आर एन पोर्टल पे करके प्राइवेट कंपनी अगली सरकार आई तो एच के आर एन भी बंद है जी अगली सरकार आई एच के आर एन बंद है कितने भी लग रहे हो जी कितने भी लग रहे हो हम चाह जी DC के थ्रू लेटर और लिखता में होना चाहिए और आज ही तभी उठेंगे जितना नहीं उठेंगे नौकरी का वादा वैसे नहीं लिखता में चाहिए और भी है जी हमने वादा नहीं चाहिए जी हमने लिखतम चाहिए DC का साइन चाहिए जी मौजूदा DC का जी टाइम दे रहे अपनी कार्रवाई करो तो फिर काम आपका नहीं सुना ना
सर आपकी तरफ से तो सर ये है एप्लीकेशन हमने दे दी, FIR दर्ज कर दी, नहीं भी है उसमें सारा सिस्टम आ लिया। सबसे पहले तो आप दोषियों ने अरेस्ट करो, ठीक है। मेघवाड़ा है जैसे भाई अपना SDO साहब बताए हैं डीसी रेट पे, देखो डीसी रेट के ऊपर इसका परिवार की सी हालत नहीं है। बाकी यो देखो एक आश्वासन दे की होना एक अलग बात है, डीसी रेट तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है सर, ले लो दो किला। तो ये आमिया कही है, अफसर नौरे बुलाते प्रशासनिक अधिकारी फोन बार बार फोन क्यों करे वो एक्शन बार बार आउन ला रहा गाड़ी लेके कुछ आप हमारा कोई दिमाग को नहीं आ मैडम जी एचकेआर के थ्रू तो लगे नहीं सकता जो पढ़ाई लिखाई उसका हिसाब तो मिलता है लेकिन चाहिए हमने पक्की पढ़ाई लिखाई का उसका परिवार में ये हालात हो जा है आपका माँ बाप का उनका क्या बीतते है देखो जी जिस तरह हम मरो कदम चेंज करा है ना हमने तो पकड़ोगा हाथ की हाथ मारा वो हुई कार्रवाई तो हम लड़का ढा के हाईवे पर जाओ सारा अफसर आ जाएगा मैडम सुनो आप कार्रवाई नहीं कर सको तो हम आपकी ठीक है आपने दे दिया कम्प्लेंट बिजली आपकी कोई बात नहीं है जी जो महकमा है उनसे बिजली मैं कोई दूसरी थोड़ी जी मैं नहीं आप सुनो आप मैं कह रही हूं दादी बात मैं सारी आपके मन लग रही तो मेरी तेरा दी मान लो आप मान ले जी ये भी मारा है इसमें माना भी बिजली बोर्ड डाला मारा है ये भी कोई कार्रवाई करे जिसकी हो ना लापरवाही के लापरवाही चीज में मैं भी हूं ये मान लो मैं आप दौर नहीं आती आपकी बात नहीं सुनो और मैं मुकुद माता से नहीं करूँ तो मेरी लापरवाही है मैडम जी इस तरह की लापरवाही की लापरवाही तो हमारे की हो गया पर उसका कोई हवा जान में होना चाहिए ये कार्रवाई तुमने क्यों करा समाधान आपने भी सारी चीजा का बेरहार जो भाई थे कही गई ना वो बात भी जिस आदमी ने कही है वह सोच विचार के ये आदमी वह गलती होगी हमारा तीव कौन करा जी गलती हम ये तार आज भी नीचे है जी आगे बिजली आओगी तो आगे भी हादसा हो सका है। तस्वीर आप देख सकते हैं लगातार सुबह 7 बजे से मकडाड़ा गांव के ग्रामीण प्रशासन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन से बातचीत हो जिसके बाद इस जो शव है उसको उठाया जाए और परिवार का कहीं ना कहीं समाधान हो लेकिन इसके बावजूद भी लगातार 4 से 5 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन ने कोई सख्ती से कोई कदम नहीं उठाया न ही बिजली विभाग की तरफ से कोई कदम उठाया गया जिसके बाद जो ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला और ग्रामीण 152 डी कॉरिडोर को बंद करने के लिए निकल गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पिछले कई घंटों से प्रशासन से बात करने के बावजूद भी समाधान नहीं निकला जिसके बाद जो ग्रामीण है उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है ये दर्शा रहा है प्रशासन की उस लापरवाही का जिसका इंतजार ग्रामीण 4-5 घंटे से लगातार कर रहे थे कि प्रशासन पहुंचेगा और उनकी मांगों पर ध्यान देगा। मौके पर DSP और बिजली विभाग से जो SDO है पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं ग्रामीण जो इस वक्त 152 डी लोड को बंद करने के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त गाँव मकडाड़ा की आप देख रहे हैं। पिछले 4 घंटों से प्रशासन से बातचीत करने के बाद कोई समाधान नहीं निकला जिसके बाद ग्रामीणों ने ये रोड जाम करने का कदम उठाया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर रोड जाम करने जा रहे हैं। पिछले 4 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि बिजली विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे और उनकी मांगों पर ध्यान दे लेकिन ध्यान नहीं दिया गया जिसके बाद अब ग्रामीणों में ज्यादा रोष है। तस्वीर आप देख सकते हैं ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है और रोड जाम करने के लिए गांव के ग्रामीण जो है वो निकल चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त मकड़ाना गांव के जो ग्रामीण है 152 डी कॉरिडोर को
बंद करने के लिए जा रहे हैं। पिछले चार घंटे से लगातार जिला प्रशासन से बात करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ग्रामीणों को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गांव मकड़ाना की है। ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। प्रशासन से लगातार चार घंटे तक बातचीत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद जो ग्रामीण है 152 कॉरिडोर को बंद करने के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त रोड को जाम कर दिया गया है, ट्रकों को आड़ा लगवा दिया गया है 152 पर। और ग्रामीण पिछले कई घंटों से लगातार बात कर रहे थे जिला प्रशासन से कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड जाम करने का कदम उठाया है। ग्रामीण चाहते हैं कि जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पहुंचे, जिला उपायुक्त जो है वो 152 पर पहुंचे और उनकी बातें ध्यान से सुने। ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है। हेलो, सही है, नमस्कार चरखी दादरी से। इस वक्त बड़ी खबर दे, चरखी दादरी के गांव मकड़ाना के ग्रामीणों ने रोड 152 को जाम कर दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ियां रुकवा दी गई है, ट्रकों को सड़क के बीच में लगा दिया गया है। लगातार प्रशासन से चार से पांच घंटे बात करने के बावजूद भी जब ग्रामीणों की बात का कोई समाधान नहीं निकला, उसके बाद मजबूर ग्रामीणों को यह कदम उठाना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 152 को दोनों तरफ से रुकवा दिया गया है। ये हालात है चरखी दादरी में इस वक्त 152 के, जो मकड़ाना गाँव के समीप लगता है। आपकी जानकारी भी करने, कल आंधी आई थी, उसकी वजह से बिजली के तार टूट गए थे और तार टूटने की जानकारी मकड़ाना गांव के पावर हाउस को दी गई थी, जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं। उनका रिस्पांस आया कि लाइनमैन को जवाब दिया जाए, लाइनमैन को बताया जाए कि लाइन टूट चुकी है। उसके बाद लाइनमैन को भी बात की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिस लापरवाही के कारण, ग्रामीण का कहना है कि लापरवाही के कारण दो लोग बिजली की चपेट में आ गए हैं, की मौके पर मौत हो गई, जिसका नाम अंशु है, उम्र 17 साल है, लगभग 17 साल है। उसका पिता उसके साथ था, जो गंभीर रूप से पीजीआई रोहतक रेफर किया हुआ है इलाज के लिए। और इस वक्त सारे जो ग्रामीण है वो देश तहीर आप देख सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर इस वक्त इन्होंने रोड को जाम कर दिया है। इनका कहना है कि जिला प्रशासन इनसे बात करे, इनकी मांगों पर ध्यान दे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाया, इसी के चलते रोड जाम हुआ है। गाँव मकड़ाना के समीप 152 को जाम कर दिया गया है। कुछ ग्रामीणों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक, ये रोड जाम करने का फैसला क्यों लिया गया है? ये जी एक ये सुबह शाम को बता दिया गया था, भाई लाइट के ये तार टूटी हुई है, तो इन्होंने ना तो तार को ऊपर उठाया, उसके करंट छोड़ दिया गया सुबह। तो ये खेत में जा रहे थे सुबह, ये हादसा हो गया। बेटा था और उसका पापा था, दोनों बुरी तरह रुस गए। बेटा तो वहीं पे ख़त्म हो गया और फादर है सीरियस। तो गांव वालों की मांग है भाई, इसमें कमाने वाला कोई नहीं बचा, सरकारी नौकरी और दोषियों को सजा। ये मर्डर है, कोई वैसे हादसा नहीं हुआ है। जी, प्रशासन से बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? हाँ, कोशिश की है, वहाँ पे कम से कम भी 2-3 घंटे तक खड़े रहे, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, सब जुमले हैं।
जी देखिएगा, कहना है कि प्रशासन से बातचीत करने की कई घंटों तक कोशिश की गई लेकिन समाधान नहीं निकला, जिसके बाद इन्होंने रोड जाम कर दिया। कल शाम काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी जिसके कारण जो बिजली का तार है वो टूटकर जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों का कहना है कि पावर हाउस में इसकी सूचना दी गई थी कि बिजली का तार टूट चुका है, उसके बावजूद ही उनका कहना था कि लाइनमैन को बता दिया जाए और लाइनमैन से भी बातचीत हुई लेकिन कोई खास ध्यान नहीं दिया। शायद एक बड़ी लापरवाही के कारण एक 17 साल के अंशु को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसके अलावा उसका जो पिता उसके साथ बाइक पर जो था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, झुलस चुका है बिजली के करंट की वजह से, उसे रोहतक पीजीआई उपचार के लिए भेजा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग गांव के जो ग्रामीण है वो इस वक्त 152 पर मौजूद है और अगर बात की जाए तो चिड़िया चौकी प्रभारी, जोजू थाना प्रभारी और जोजू थाना से जो डीएसपी है वो भी मौके पर पहुंच गए थे और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा बिजली विभाग से एसडीओ भी मौके पर पहुंच गए थे लेकिन जो ग्रामीणों से जो बात कर रहे थे वो बात शायद सिरे नहीं चढ़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया। काफी संख्या में इस वक्त यहाँ गांव के जो ग्रामीण है वो पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक ये रोड जाम रहने वाला है और इसको यहाँ बुलाने की कोशिश की जा रही है। भाई रोड जाम क्यों कर रखा है? रोड जाम क्यों कर रखा भाई? मार दो भाई को छोड़ो एक्सपायर हो। अच्छा क्यों एक्सपायर कैसे होगा? बिजली आना की गलती थे, कल शाम ने फोन कर दिया था भाई तार टूट रहा है, उनका तार ठीक को निकल गया। सुबह खेत में आए तो रास्ता में तार था इसलिए उसके तार बढ़ते हैं, बच्चा तो उतर लिया, उसका पिताजी रेफर कर दिया, वो भी ज्यादा सीरियस है। ज्यादा सीरियस? हाँ जी। जिला प्रशासन से बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल जी, जो एसडीओ साहब आया था उससे हम संतुष्ट को नहीं हुए जी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। हाँ जी। अच्छा जो अंकुश का जो सर सिर जो शव है उसको नहीं उठाया जा रहा क्या अभी तक? जी ये प्रशासन तो उठा रहा है लेकिन हम नहीं उठा रहे। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे जी न्यू है जी, घर पर कोई भी कमाने वाला एक आदमी भी को नहीं जी, उसकी हम एक बाईस है उसकी नौकरी के लिए। शायद एचकेआरएम के जरिए नौकरी देने की बात कही गई थी। बस ये जी डीसी रेट पर जी, ये तो जी उरे दो किला मारने ले लेगा, वो तो डीसी रेट पर क्या करेगा जी। देखिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों का कहना है कि पक्की नौकरी दी जाए ताकि एक विश्वास बन सके। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, रोड जाम क्यों किया गया है? रोड जाम में लड़का एक्सपायर हो गया, बिजली वालों की गलती है। अच्छा ये रोड जाम ऐसे ही कब तक रखेंगे आप? जब तक वो पूरी सहमति नहीं हो जाएगी जी। रोड जाम करने के बाद किसी से कोई बातचीत हुई ग्रामीणों की? अभी आ रहे हैं, अभी अधिकारी आ रहे हैं जी। देखिए इनका कहना है कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं, जब तक कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, जिला प्रशासन इन्हें अच्छे से आश्वस्त नहीं कर देता जब तक ये रोड जाम नहीं खोलने वाले हैं, रोड पर इसी तरह से व्हीकलों को खड़ा रखेंगे। इनका कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही है क्योंकि बिजली विभाग के जो कर्मचारी उनको सूचना दे दी गई थी कि लाइन का जो तार है वो टूट चुका है, लाइन में बिजली ना छोड़ी जाए, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और लाइट छोड़ दी गई, जिसकी चपेट में आने से एक अंशु जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल उसकी मौत हो गई है और उसका पिता गंभीर रूप से घायल है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टार्ट। इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं 152 दूर जो रोड है इस पर दूर दूर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। कुछ और ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं कि किस वजह से रोड जाम किया है और कब तक ये रोड जाम यूं ही रहेगा। क्या नाम है जी आपका? रणबीर सिंह है जी। ये रोड जाम क्यों किया गया ग्रामीणों ने? रोड जाम तो ये इससे काफी दिन पहले होना था, इसी जो हादसे के एक किले दूर जो है गांव के ही एक ऊंट भी यहाँ खत्म हो गया था। बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी बार हादसा यहाँ सिफारिश से एक आदमी 20 साल नौकरी यहीं पर कर रहा है, आज सारे गांव उसके खिलाफ है, तो उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि उसने कितना गाँव में अच्छा काम करा है। दूसरी बात रही ये आज नया हादसा नहीं हुआ है, ये कम से कम भी जो है 1.5-2 साल पहले लाइन खींची गई थी, ये तार टूटा नहीं है, ये जो ऊपर इसका बांध रखा था दूसरे तार से वो तार धीरे धीरे खुला है और वो आज पूरा खुल के नीचे गिर गया है। मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। कल बिजली वाले को बताने के बाद तक पूरी रात चली गई और सुबह 8 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तार के ऊपर। तीसरी बात, 10 बजे लाइन छोड़ते हैं और आज जो है 7 बजे बिजली छोड़ दिया इस लाइन में, तो ये सारे हादसे को देखते हुए पता चलता है कितना जो है प्रशासन काम कर रहा है। दूसरी बार ये हादसा हुआ इस तरह से यहाँ पे? दूसरी बार तो यही हुआ है, 1 किले दूरी ये बार बार होते ही रहते हैं गांव में जी।
चलिए कुछ और ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा संदीप नाम है। संदीप, कब से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रुके हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर? ये सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक कोई कुछ नहीं निकला। एक बार पहले 6-7 महीना पहले भी यहाँ पर एक गरीब आदमी का ऊँट मर गया था। गाँव के बंदों ने चंदा चुंदा करके उसको दे दिया था, यहीं पर छोड़ जा दिया था, लेकिन उस तार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर वो दुर्घटना यहाँ पर हो गई है जी। अब बड़ा हादसा हो गया। अब ये लड़का वाला, अभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं हमारे यहाँ जी। देखिए, जो गांव के जो ग्रामीण है वो बिजली विभाग पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी इस तरह से हादसे यहाँ हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों में काफी ज्यादा रोष है, जब तक कि जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ आकर इन्हें आश्वासन नहीं दे देते और इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देते, तब तक 152D रोड जो है यूं ही जाम रहेगा। पिछले 4-5 घंटे से लगातार जो ग्रामीण है वो प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उन्हें जानकारी दे रहे थे, लेकिन शायद कोई अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और उनकी मांगों पर प्रशासन शायद सहमत नहीं हो पाया और ग्रामीण प्रशासन की मांगों बातों पर सहमत नहीं हो पाए, जिसके बाद इन्होंने 152D रोड को जाम कर दिया। यहां से महज 150 मीटर की दूरी पर खेतों के अंदर जहां पर हादसा हुआ था, वहां मौके पर अंशु का जो शव है वो वहां पे रखा हुआ है। ग्रामीण कहते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो उनका शव जो है नहीं उठाने देंगे और आगे ये रोड जाम यूं ही रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। FIR जो पकड़ रखे नौकरी का सवाल है, वो नौकरी का सवाल ताड़ा रोड पर तो मिले नहीं एकदम। तो सुनो, देखो, एक आप ये नूना मानियो को भाई दूसरी बात करे, अगर बाबाजी बात करे, ये भी जो परेशान हो रहे, देखो तारा लागी हुआ मारा समझनी तो लागेगी। ये जो 17 साल का बालक मरे हमारे बेटे समान होगा, और कुछ है समझनिया के लिए चलो बस यार 3 दिन देखो मारा तो समझाना, पर आज तक नू तो है नहीं की भाई पाई है, वो झूठ बोला नहीं सरकारी देख बात लेटर होगा या ज्वाइनिंग होगी या तो आपसे 3 दिन बैठो आश्वासन हो अफसरा का, कोशिश करना फर्ज हो है। एक आप रोड पर बैठे यार काम का वही आत्मनु करा के भाई देखो दर्द तो आपका मार तार फलतू है तेन मानते हो, हमने जय गुंजाइश ना हो दो फोर माइनर क्यों पकड़ के बैठा, 1 मिनट लेट हो तो वो बताओ FIR में मान गया हम नट हगे इस बात में नट तो नहीं रहे। ये एक छोटा सा आश्वासन से जाम नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा बाबा तेरी बात बड़ी है। हिमाचल जा रहे हो तो हम खुद को बुलावा गलती करा तो भुगतेगा, गलती के खिलाफ जो पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज करके जो कार्रवाई की है, जो कार्रवाई की है वो यूं रफा दफा नहीं हो सकती, वो हमें पता है। प्रोसेस साल लगा, बात SDM के आने की, उसमें जो भी देरी हो रही है उन्हें नहीं करनी चाहिए, टाइम से आके जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है उन्होंने करना चाहिए,
उसके बाद अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो अपने डीसी साहब से राय ले सकते हैं, तो क्षेत्र में होगा। हाँ, और जो भी इसका नियम संवत या जिसमें जो भी बन सकता है इनके उसमें हक में जो भी ये दुखद घटना हुई है उसके उसमें वो कार्रवाई करके उसकी अपने सिफारिश करके ऊपर भेजते हैं। इनके हाथ में ये सभी जानते हैं, बिजली विभाग के हाथ में नहीं है जी। एक लोग मंत्रियों के लड़कों के लिए ना पद जनरेट कर लिए जाते हैं साहब, इतना तो सबको पता है, ठीक है। वैकेंसी नहीं हो सकती, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये किसने कहा नहीं मिल सकती? उसमें उसमें न्यू तो नहीं ना कि भाई आप यहाँ बैठे हो जो जिस परेशानी के लिए जो घटना घटी उसके लिए, यूँ तो नहीं ना कि भाई आज आप बैठे हो और आज ही ये सारी प्रक्रिया पूरी होकर मुकम्मल हो जाए। हमारा डिपार्टमेंट तो करेगा डिसमिसल ऑफ सर्विसेज, उसके अलावा जो तो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस के थ्रू है, तो उन्होंने मैंने बोल दिया, अभी लिखित में मैं जाके वो कर भी दूंगा। दूसरा जो आप सब लोग उसकी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट में एक जो प्रावधान है वो SKRM पोर्टल के थ्रू है, वो भी DC मैडम से रिक्वेस्ट करके वो परसू करके उसको मैं वो मैं कोशिश करके मत करो जी। और ये एक्चुअली पहले हुआ करता था वो, अब वो जो पहले क्या किया करते थे, पहले सुनो भाई पहले क्या किया करते थे, पहले कॉन्ट्रेक्टर के पास लगाया करते थे नौकरी। हम लोग क्या करते थे, इस तरह 12वीं कर रखी है बच्चे ने, पता लगा मुझे तो 12वीं पे तो PN की नौकरी डिपार्टमेंट की योग्यता के आधार पर नौकरी देता है। इस तरह ITI कर रखी है तो लाइनमैन, डिप्लोमा कर रखा है तो JEE, इस तरह इंजीनियरिंग कर रखी है तो इस तरह अलग अलग क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, तो जिस तरह इसकी बच्चे की क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से SKRM पोर्टल होता है हमारा सरकार का, उन्होंने सरकार ने डेढ़ साल से पोर्टल बना दिया, उसको हम डिपार्टमेंट जो है थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको भेज के उसकी तो मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ, उसमें करा दूँ। तो दूसरी एक एश्योरेंस मेरे चीफ साहब से डिस्कशन हुई थी, अभी तो आचार संहिता है, कोई सरकारी नौकरी या बदली नहीं हो सकती, जब इनके इन फ्यूचर की सरकारी नौकरी निकलती भी है तो उस वक्त जिस तरह जो बच्चा लगेगा नौकरी जिस भी पद पे लगेगा वो उसकी रिकमेंडेशन हम सरकार को कर सकते हैं जी, उस वक्त दी गई थी, तो काइंडली आप इनको रिकमेंड करके इसको उसको परमानेंट करने की हम सिफारिश कर सकते हैं। ये तो मेरे हाथ में है बहुत जी, जो मैं कर सकता हूँ मैं बाबू जी। आप यहाँ देखो मत बोले उनको धनी तो खैर वो भी मरे, उसको बच्चों को खत्म हो रहा है, तो उनको परिवार को पालन पोषण करवाएगा बिल्कुल गरीब इंसान से। मैं सरकार के आधार पर महकमा पास के पैसा को नहीं, महकमा पैसा जितने उनको गुजारो तो करो, कम से पेट पालन तो है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना, उसके साथ भी आता है। अच्छा जी, कमाऊंगी भी नहीं, रिटायरमेंट हो जाओ तो 2 करोड़ तो उनने दे दी भाई, 5 करोड़ रुपया नगद देते हो, अपना काम कर ले, बोल ले बात खत्म है। ये तो आपको पता है 5 करोड़ का तो प्रमादान है, मैं उससे बाहर तो कोई जाए ना, तो मैं तो प्रमादान है प्रमादान है वो ऐसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, वो भी प्रमादान होता है, बच्चे की उम्र कितनी है इसकी पूरा कैलकुलेशन होता है, जो होगा वो मैं विद इन अ वीक उसको बना के मैं नहीं कर सकता, कैलकुलेशन में एक हफ्ता लग जाएगा मैक्सिमम, और क्या मैंने काटना मतलब अंदाजन बता दो जी, साथ साथ पहले भी हां खूब होया ऐसा ना बोलिए, देखो मैं भी आप लोग की तरह हूं, मैं कल कुछ बोल दूं जी मैं 10 लाख दे दूंगा और वो बने 9 लाख, फिर आप मुझे और वो बन के 11 और वो बन के 15, तो फिर वो बात में हो जाएगी, आप मुझे कहो जी आपने 10 कहे थे 15 कहे थे आप 20 कहे थे, आप दे दो 12 रहेगा 15 रहेगा 15 लाख मेरा सब, ये तो महकमा की जो पॉलिसी वो दी है नौकरी मिलती नहीं जी, जैसे क्वालिफिकेशन उसके आधार पर नौकरी तो सरकारी, वही तो मांग कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं जैसे उसकी क्वालिफिकेशन उसके अनुसार उसको ये एकदम से नहीं दीजिए, सरकार में सारा काम अभी तो देखो आपको पता चुनावी माहौल है, इस वक्त चल रही है 4 सीटें नई नौकरी में, आपको कह दो जी मेरे तो मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, आप लोग भी तो आम आदमी हूँ ना, तो मैंने निकाल नहीं सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं, एक ही डिपार्टमेंट रिकमेंडेशन करता है कि इन केस इन फ्यूचर नौकरी उसकी योग्यता के आधार पर निकलेगी, उसका मैं चुनाव देता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं लिख उसके बाद जब परमानेंट की नौकरी निकलेगी तो इसको उसमें उस आधार पे जिस तरह कहते हैं ना कि मेरिट दी जाएगी, वो हम रिकमेंडेशन दे देंगे डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट
क्या है, पहले तो उसको देंगे नौकरी उसके लिए सरकारी में एक ही सिस्टम खोल रखा है। इसके बाद इन फ्यूचर जब सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो महकमा उसको रिकमेंड कर सकता है, हाँ जी इसको प्रायोरिटी दी जाए। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हेलो ना ना कौन मासी बात कर रहे हैं सर, कितना दर्शन है तो वहां भी नहीं चला ठीक बात है। देखो टंडो वो पुलिस वालों भैया माफी मांगेगा सब तक आलम वो एक बात चलेगी नहीं नहीं चलेगी उसको छोड़ मर जाएगा कह दे आगे मर गए मैं उस पुलिस वाले से माफी मांगा फिर आगे बात करूंगा। हां रमेश लापरवाही की वजह से होया है, डिपार्टमेंट की लापरवाही वालों की लापरवाही की वजह से होया है ये घटना। ठीक मानो इसने वैसे तो वो बात नहीं है, कोई घटना वैसे घटी है कोई बाप है वो, ये मानो लड़का तो एक्सपायर हो गया, आप एडमिट है 80% अभी मेरे पास फोन आया था वहाँ जा रहे थे, इस तरह हाथ है ना वो कुछ नहीं खिल जाता है, हो सकता है काटना पड़े वो डॉक्टर तो ये कदम बच्ची का लाना पड़ेगा वो मैंने आ जाता है पैर में मतलब ये मानो कुछ नहीं है परिवार में। मैं गया था डॉक्टर प्रदीप ने बोला भाई बचने की सामने हो सुनो भाई सुनो एक तो 19-20 साल का उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी और जो आर्थिक मदद भाई डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार की मैक्सिमम भाई कितनी हो सकती है आप बता देना वो होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त उनका जो अरेस्ट होने चाहिए आदि FIR तो हो गई है उन पर दर्ज 76 नंबर FIR है लेकिन वो अरेस्ट होने चाहिए। ये परिवार के प्रति बड़ी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जो घटी वो देखो अब हम सब सारा प्रशासन जो है बड़ा व्यथित है कि भाई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंस हुआ। तो इसके लिए देखो मैं पर्सनली उस परिवार के साथ ही उसकी घड़ी में खड़ा हूँ, जो भी सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो भी
मैक्सिमम जो हेल्प हो पाएगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम हमें डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है, एक्शन साहब हमारे साथ है, या पुलिस की जो जहाँ तक आपने बात की, एफ आई आर हमने दर्ज कर ली है, जो अरेस्ट का या जो आगे का प्रोसीजर है वो डीएसपी साहब क्लियर करेंगे, और हम इस घड़ी में ये मानेंगे कि हम भी आपके साथ, हम कोई भी ऐसा नहीं करेंगे जो आपके और हमारे उसमें काउंटर हो, ठीक है ना। हम आपस में जो घटना घट गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और मतलब वो नहीं होनी चाहिए घटना, नहीं होनी चाहिए पर दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, तो हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जो भी मदद होगी हम करेंगे, प्रशासन की तरफ से सरकार करेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि कमिटमेंट जो हो, क्योंकि तीन डिपार्टमेंट है, तीनों में अलग अलग जगह से कमिटमेंट आनी है, पुलिस से आनी है, कंसर्न डिपार्टमेंट से आनी है, प्रशासन से आनी है, तो हम तीनों मिलकर वो भी करेंगे। और जैसा कि अभी एक हमारे सदस्य ने कहा कि देखो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो हर आदमी की अपनी अलग बात होती है, तो मैं पूरे प्रशासन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके भी गाँव को सरपंच साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या दो चार मुझे आदमी, क्योंकि आप भी सभी को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई एक दो आदमी अलग किरदार रखते हो, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारी हमारे साथ खड़े हो, ठीक है। जब हम आपके साथ खड़े हैं तो आप भी हमारे साथ खड़े हो, कानून को आपने, और अपन बैठेंगे और अपना जो भी वो करेंगे मदद करेंगे पूरी मदद। फिलहाल बलवाई संतुष्टि करके अके तो बच्चा की बच्चा के दोनों गांव खप जाओ रे शांतिपूर्वक एक उदाहरण दूंगा भाइयों के दिन ज्यादा व्यवहारी हो चुका है जीना गांव में चंद्रा उन को पत्ता बंद मत कर दिया था ना रूपी साल को थी हुआ लागत है इसकी शादी दला दे लो किसी जेठ को भी थोंग तो दुनिया की एक हीर का छोड़ा लगा कहाँ लगा इन्हें वो गांव भी लुट गो वो मुक्त हूँ नहीं मिटो चल रहे कभी बात नहीं ऐसी इंसान बात जरूर हूँ बहुत जरूर बात तहसील का मालिक सो जिसे साहब रात को कुछ भी मदद चाहो कर सको, लेकिन कानून तो भाई तो आप ही मदद सको, कानून की गद्दो भाई मना था डन बाबा आप बड़े हो, आपने जो बाबा ने जो बात की थी उसी बात पे और आप करेंगे। मान हमारी बोल कितना हुई वो दावा कितने बजे कई घंटे कई घंटों तक रोड जाम करने के बाद ग्रामीणों को प्रशासन के बीच बातों को लेकर सहमति बन गई, जिसके बाद जाम हो गया। जो आदमी उन ड्यूटी रजिस्टर हो रजिस्टर मेंटेन हो सरकारी उसमें बिल्कुल क्लियर वेयर पड़ जाएगा, सुन्नू मोन्नू कौन था वो क्लियर है, उसमें क्लियर आ जाएगा कि फलाना 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 सारा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी बात आगे बताओ, हाँ जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है, पहली बात ये होगी। हाँ उसमें आपको क्या लिख के देना है,
आपने जो अभी बातें बोली ना कि हम नौकरी की गारंटी एच के आर एन के तहत ये सीओ साहब यहाँ पे करके गए अशोर लोगों को, ही विल राइट ऑन पैड गाँव मकडाना क्या कुछ मामला हुआ है शाम ने जी हमारे खेत मत जा रहे थे तीन जना था, हमने फोन करके बता दी थी अग्नि तार टूट रहा है वही जो अपने रविजली बोर्ड में सरकारी नंबर है उस पर फोन कर दिया था हमने वो नहीं बोला भाई सोनू कन फोन कर दे सोनू लाइन मैन है जी फिर मन सोनू तो कन फोन कर दिया था तुरंत आ रहे ना कि मेरे कन रिकॉर्डिंग है वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है सोनू नहीं बोला भाई मैं करूँ फोन करूँ हूँ सोनू ने इतना कह के फोन काट दिया था अच्छा कब किया था आपने फोन ये 8:11 पर कर दिया सन इंशाल्लाह 8:11 हाँ जी आपका नाम मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी सरपंच प्रतिनिधि मकडाना सरपंच जी क्या कुछ मामला हुआ है ये कल शाम को जैसे मौसम खराब हुआ था उसकी वजह से हमारे यहाँ खेतों में एक तार टूट गया लाइन का जो 11,000 वाली बिजली की लाइन है उसका उसी टाइम में थोड़ी देर बाद मेरे गांव के एक व्यक्ति ने पावर हाउस में जो अपना सरकारी नंबर है उस पर कॉल किया कि वैसे ऐसे तार टूटा हुआ है और बिजली का तो फिर इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने इसके बारे में कोई सुध नहीं ली और लापरवाही बरतते हुए ना ही इस पर कोई एक्शन लिया यहाँ सुबह जब मेरे गांव का रामवीर जो बाइक लेके आ रहा था उसका लड़का उसके साथ था बाइक पे बैठा था तो रास्ते में जो तार टूटा हुआ था जो शाम का टूटा हुआ था वहाँ पहुँचा तो उसको उनके करंट की वजह से उनके साथ हादसा घट गया लड़का एट ए टाइम स्पॉट पे ही एक्सपायर हो गया और रामवीर की हालत गंभीर है लड़के का नाम अंशु है उम्र लगभग 15-16 साल की है अभी 10th पास ही की है उसने अच्छा इसमें आप बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बिजली जब हमने हमारे गांव के एक व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग है जो इन्फॉर्मेशन दी थी तो इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई तब तक उस पर ना तो बिजली काटी गई ना कोई एक्शन लिया गया ना वो तार ठीक किया गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की ही लापरवाही है अच्छा अब पुलिस भी आ चुकी है बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी आए हैं क्या चाहते हैं क्या मांगे ग्रामीणों को देखो ग्रामीणों की मांग ये है सबसे पहले तो बिजली विभाग की जो लापरवाही है इसमें कौन कौन जिम्मेवार है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो पुलिस उनको अरेस्ट करे उसके बाद ही हम अगली कार्रवाई करेंगे मामला हुआ है मकड़ाना में जैसा कि आपको पता है कि कल जो आंधी आई थी उसके कारण हमारी एक लाइन गिर गई थी उसमें एक मॉर्निंग में रात को लाइट ऑफ करा दी गई थी मॉर्निंग में जो ड्यूटी पे कर्मचारी है उसने वो ऑन कर दी उसके कारण एक दुर्घटना घटी है और एक जो मकड़ाना गांव का एक युवक है उसकी मृत्यु भी हुई है उसमें तो मैं उस पर बड़ा हम खेत प्रकट करता हूँ ये भी बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है एक हादसा हुआ है और इसमें हमने जो कार्रवाई थी वो इनिशिएट कर दी है FIR दर्ज हो गई है और जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जो हादसे के बाद जाम लगाया गया था तो फिर क्या खास मौसम देखे जाम खुला बेसिकली हमने पूछा था कि आपकी क्या डिमांड्स हैं क्या आप हैं क्योंकि जो प्रशासनिक मदद जो हमने करनी थी वो तो हम अपने लेवल पे कर ही रहे थे और गांव वालों ने बताया कि भाई इनको कंपनसेशन या जो भी गवर्नमेंट की एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो इनकी चीज़ें हों जल्द से जल्द करा दें तो उसके लिए हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के एक्शन में बात कर ली है 2,00,000 का चेक तो अभी वो तुरंत काट के दे रहे हैं उनके इलाज के लिए ताकि इलाज में कहीं कोई कमी ना रहे क्योंकि एक जो उनके फादर हैं वो अभी पीजीआई रोहतक में हैं और उनको बता दिया गया कि जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधा जो होगी या जो भी कंपनसेशन जो होगा वो हम खुद दिलवाएंगे जिन बिजली कर्मचारियों की लापरवाही थी क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है FIR नंबर 76 है और पुलिस एक्शन करेगी